बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आर्या वोरा, जो आपको कराते ही है हमेशा वर्ल्ड टूर। सो अभी मैं हूँ अल्पेसो सिटी। ये जो है वो बहुत ही प्यारी सी जगह है। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन स्टे, यू कैन स्पेशली कम जस्ट टू एक्सप्लोर इन वेस्टर्न सर्बिया। और यहाँ का जो स्टे है विच इज अमेजिंग, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया था, मेरा जो कॉटेज है पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेड़ के ऊपर रह रही हूँ, और बहुत ही अच्छा फील है। दिस इज लाइक लॉट ऑफ कॉटेजेस ओवर हियर। यहाँ पर आपको दिखेंगे इतने सारे रहने के, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, पार्क है किड्स के लिए, एंड द ब्यूटीफुल फील। लाइक यहाँ से अगर आपको पूरा माउंटेन व्यू चाहिए देन यू स्टे हियर। आपको लगेगा ही नहीं आप कोई प्रॉपर यू नो सिटी में हो। ये अलग से जगह रहने के लिए। फॉग, ठंडी नहीं है इतनी एक्चुअली, द वे आई एम वेयरिंग क्लोथ, बट थोड़ा सा फॉगी है। द वेदर इज सुपर्ब। बट आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक प्यारी सी जगह जो है अगेन इन वेस्टर्न सर्बिया। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो है टेंट। अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो यहाँ पर भी रह सकते हो। इसका रेंट जो है वो थोड़ा सा कम है, इवन लेस देन रूम्स। एंड वेदर ऑफ टुडे इज जस्ट इनसेन। पूरा फॉगी। सी वेयर आई एम गोइंग, सरप्राइज फॉर यू एंड द ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ। ऐसी जगह है जब रास्ते में आती है तो देख के ना बहुत ही डर लगता है। बॉस अभी बारिश भी चालू हो चुकी है। जहां पर हम हैं अभी वो है सीरो गोयना। यहाँ पर ओल्ड म्यूजियम है एंड द ब्यूटीफुल विलेज टाउन इन वेस्टर्न सर्बिया। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सडनली मुझे ठंडी लगनी शुरू हो गई और थोड़ा बारिश भी हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं मार्केट में जाके एक पहल अम्ब्रेला खरीद लेती हूँ। लेट्स गो। यहाँ पर एक मार्केट था जहाँ पर आके मैं अम्ब्रेला खरीद रही हूँ सडनली, क्योंकि बारिश चालू हो गई। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई कैमरा। हाउ मच? 599। अपना इंडिया का हुआ 300। बराबर। अभी अपने पास अम्ब्रेला आ चुका है। यहाँ पर है सीरो गोइनो, सीरो गोइनो ओल्ड विलेज म्यूजियम, जहाँ पर मैं आपको लेके जा रही हूँ। वॉक करते करते प्लेस इज जस्ट अमेजिंग। बहुत शांति है यहाँ पर। शायद सडनली बारिश एंड वेदर की वजह से लोग नहीं है, जबकि मैं पीक सीजन में सर्बिया में हूँ, बट लोग काफ़ी कम है। टूरिस्ट टाइम में काफ़ी कम है। मैं चलते चलते काफ़ी नीचे आ गई हूँ और म्यूजियम आ गए। आगे चर्च था और अभी यहाँ पर ओपन एयर म्यूजियम। आगे वे फाइनली बताया मुझे कौन मिला। हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम येन। येन, येन इज फ्रॉम चाइना। चाइना से येन सर्बिया देखना है। आई नीड टू बाय टिकट। हाय, हाउ मच पर टिकट? वन टिकट 150 दिनार। यहाँ पे मैंने 150 दिनार दिए इनको। लेफ्ट सेकंड हाउस कॉल्ड। दिस इज हाउस इज ओपन, यू कैन विजिट इट नाउ। फर्स्ट स्टार्ट हियर। ये जो घर दिखाई दे रहा है ये 1882 के जमाने का है। यहाँ पर लिखा है 18901890। अंधेरा है काफी अंदर। उस टाइम पे ये लोग इस तरीके से रहते थे यहाँ पर। नाइस, लेट मी शो यू मोर हाउसेस। ये जिसका घर है ना, ये फैमिली यहाँ के लोगों के लिए चीज, मिल्क, ये सारे, और ये जो लकड़े के बर्तन दिख रहा है उसमें सारी चीजें रखी जाती थी और यहाँ पर ये लोग बना देते थे। सो दैट वॉज हाउस नंबर 7। सो 18 और 19 सेंचुरी में ज्लातिबोर के जो भी विलेजेस थे, जो लाइफ स्टाइल थी, उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया है, दिखाया है।
सारे ऑथेंटिक एलिमेंट्स को इकट्ठा करके ये ओपन एयर म्यूजियम बनाया है। अलग अलग विलेज की कहानी है, अलग अलग इसमें हाउसेस बनाए हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश में सरेबियन लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में भी लिखा है और आप पढ़ के उसका नॉलेज भी ले सकते हो। एंड दिस प्लेस इज रियली वेरी नाइस, इट्स ऑल क्लोज टू हिस्ट्री, देयर इज कैफे रेस्टोरेंट ऑल्सो। बट फिलहाल मैं आपको लेके जा रही हूँ एक और नई जगह पर। शाम होने से पहले आई हैव टू गो एंड इट्स स्टिल रेनिंग, द वेदर इज सुपर्ब, लेट्स स्टार्ट। केव इज ओपन टिल व्हाट टाइम? 6:00 ओके, तो यहाँ पर मुझे पार्किंग का पे करना है सबसे पहले। हाउ मच फॉर द पार्किंग? 70. माय गॉड, सर्बियन लोग कितने अच्छे हैं, ये मुझे कॉफी पिला रहे हैं। इट्स अ यूट्यूब। I don't like YouTube. Why? And they're on YouTube channel. You should like. And YouTube. India. Mountain Trekker was here. Ah, Mountain Trekker was here. I know him. He's talking about the Mountain Trekker. आपको पता होगा शायद वो YouTuber है Mountain Trekker, तो वो यहाँ पर आया था ऐसा बोल रहा है। और ये है Stopicha Cave. चलो जाते हैं अंदर। ये मुझे बोल रहे हैं अंदर केव में इतना ज्यादा ठंडी, आपको ठंडी लगेगा। मैंने बोला मेरे पास कुछ नहीं बिकॉज मुझे ठंडी लग नहीं रही यहाँ पर, बट शी इज गिविंग मी हर जैकेट, थैंक यू, इट्स सो स्वीट ऑफ यू। आई एम फीलिंग सो स्पेशल ओवर हियर, लाइक मुझे इतना अच्छा ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। I'm happy. No, without sugar. These all are jam, right? It's licorice and jams and honey. Hey, honey, okay. Mushroom. No. This alcohol drink. Which yeah. drink it is? This is shtayo. Yagoda. This is domestic brandy, rakia. I don't drink at all. You don't drink anything? Never. Why? Never in my life. Seriously, no one believes. But I don't drink at all. Whatever, like I travel a lot, but I never drink. Yes, sorry. Honey and drink. Honey also. Nowhere in the world. I went to Turkey. Hey, Pamukkale. Pamukkale. That's something simple. He is talking about this cave. He मुझे बता रहा है ये cave के बारे में speciality जो है, तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं फटाफट। Oh my god. यहाँ पर काफी शांति है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एंड बहुत ही संभल के, ये तो बारिश हो रही है बट इन्होंने मुझे बताया था कि बारिश में ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत है। हिम्मत करके आई गई, वैसे भी हिम्मत तो मैं करती ही रहती हूँ हमेशा, मुझे आदत है। Here I go. बाहर जहाँ से मैंने एंटर किया था वहाँ पर बोला था कि 250 मीटर है, बट मुझे लगता है 250 मीटर से ज़्यादा है। और पहले मुझे बताया था कि एंट्री के लिए यहाँ पर फ़ीस भी है, बट अभी तक तो कोई ऐसा काउंटर आया नहीं है फ़ीस का। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ। एंड या आई कैन सी ह्यूमंस, थैंक गॉड कोई तो है। बड़े यहाँ पे तो बहुत डीप स्टेप्स है, मैं अगर सरक गई तो सीधा सरक के नीचे ही जाऊँगी। मेरे हाथ में कैमरा, मेरे हाथ में अम्ब्रेला। देखा, मैंने बोला था ना मैं स्लिप हो गई, पता है वो लोग थे उन्होंने पकड़ लिया मेरा हाथ। काफी डरावनी लग रही है मुझे तो ये जगह, पर चलो वैसे टूरिस्ट प्लेस है। ओ इको आ रहा है यहाँ पर तो, व्हाट इज दिस, क्या लिखा है इनकी लैंग्वेज में। Oh, I can see counter. I think need to buy ticket. I am saying this place is just amazing. Ticket liya hai 250 dinars ka. Main bhi daravni lag rahi hu queue ke saath. Actually aaj barish ki wajah se tourist kam hai, otherwise hote hai kafi tourist, but mujhe acha lagta hai jahan par traffic aur you know main rush kam hota hai. Main kuch zyada hi acche se video record kar sakti hu, mujhe time hai apne hisab se, you know, let's go. तो ये जो केव है वो ज्लातीबोर माउंटेन का ईस्टर्न साइड पर रोजानस वो जो एक विलेज है, एंड द दूसरा विलेज का नाम है मुझे याद नहीं रहता, तरनावा। ये दोनों विलेज के बीच में ज्लातीबोर माउंटेन की नॉर्थ ईस्ट साइड पे ये केव है Stopicha, एंड द केव इज़ वेरी फेमस फॉर टूरिस्ट। अंदर काफ़ी अंधेरा है, थोड़ा जाके देखते हैं हम लोग। यहाँ की एक तो हिस्ट्री बहुत अलग है, लैंग्वेज बहुत अलग है, तो जो भी मैं नाम बोलती हूँ जैसे रोजानसवो, तरनावा, एंड मैंने आपके सामने बोला मैं तुरंत भूल भी जाती हूँ, होता है। लेट्स गो। बीच बीच में यहाँ पर लाइट्स है एंड एक ट्रैक है चलने के लिए, और बाकी ये ओरिजिनल जगह है, टूरिस्ट के लिए ओपन हुई थी ये कुछ साल 2019 या 2009 में। लेट मी आस्क, वाओ
आई नेवर एवर इमेजिन, मुझे कभी भी लाइफ में नहीं पता कि केव्स ऐसी होती है. ऑफ कोर्स ये टूरिस्ट के लिए इतना डेकोरेट किया है, जो भी लाइट्स एंड सारे ये वॉकिंग जो भी पाथ है सारे बनाए हैं, बट द एक्चुअल ये लुक केव का सो 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 अमेजिंग. थोड़ा सा स्कैरी भी है, लाइक आगे पीछे से देखो तो ऐसा लगता है सडनली पता नहीं कहाँ पर आ गए. जब कुछ जानने का बहुत ज्यादा आपको कीड़ा होता है ना, एक्साइटमेंट आई मीन कि ये जानना है वो जानना है, तब ये सारी जगह पे आके आप लॉस्ट हो जाते हो. आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप अकेले हो. कहाँ से पानी आता होगा ये? आधे घंटे में आप पूरी ये केव घूम लोगे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं. सो आई एम ऑल्सो डन. ग्रेट ग्रेट प्लेस, लेट्स मूव. शाम को 6 बजे बंद हो जाती है ये जगह. सो ये है मेरे पीछे केव, आ गई हूँ मैं बाहर. एंड आज की दोनों जगह एकदम ही डिफरेंट थी, राइट? कैसा लगा, मज़ा आया ना? सो आई थिंक ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा सर्बिया के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके एक अलग वाइब थी. ना सिटी, ना माउंटेन, ना फॉरेस्ट, समथिंग रियली डिफरेंट. बोथ प्लेस, विलेज म्यूजियम एंड दिस प्लेस केव. सो आई होप आपने ये एपिसोड ज़रूर इन्जॉय किया होगा. मैं तो खुद देख के बहुत इन्जॉय कर रही थी, इवन आप लोगों के लिए शूट करते करते भी बहुत इन्जॉय कर रही थी. सो जल्दी जल्दी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, भूलना मत. हिट द बेल आइकन, वहाँ पर जो बेल का एक छोटा सा आइकन है उसके ऊपर जब प्रेस करोगे तब जाके आपको मेरे हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आएगा. सो भूलना मत. मिलता है फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अलविदा, बाय बाय.